हाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार दिलीप पाडवी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आए हैं मौलीपाड़ा गांव में, क्योंकि हमें वहां से कॉल आया था कि रात के करीब 10 या 11 बजे वहां पे कोई सांप दिखाई गया था। तो चलिए हम उसे जल्दी से देखते और बाहर निकाल के दिखाते हैं दोस्तों आपको भी कि सांप जहरीला है या बिना जहरीला। तो आप देख सकते हो कि कैसे वो यहाँ चुप कर बैठा है और कितना बड़ा सांप है दोस्तों, और कितनी छोटी सी जगह में आकर चुप कर बैठा है। तो चलिए हम इसको जल्दी से रेस्क्यू करते हैं दोस्तों। दोस्तों पिटिकल कोबरा तो चलिए हमने इसको फाइनली रेस्क्यू कर लिया है। तो दोस्तों, मैं आपको इस सांप के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। तो ये नाग है दोस्तों, इसको इंग्लिश में इंडियन प्रैक्टिकल कोबरा भी कहा जाता है, और ये बहुत जहरीला सांप होता है दोस्तों। तो मैं आपको फिर से एक बार कह देता हूँ कि ये नाग है दोस्तों, और इसे इंडियन प्रैक्टिकल कोबरा भी कहा जाता है, और ये बहुत जहरीला सांप होता है दोस्तों। इसमें निनोटॉक्सिक नाम का वेनम पाया जाता है, और आप देख सकते हो कि कितना फुल साइज का ये कोबरा सांप है दोस्तों। कमल्या
या फेस बांध दीजिए। तो चलिए इसे हम पैक करते हैं और हमारे तापी के जंगल में से हम बहुत दूर रिलीज कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम जिस सांप को रात को मऊली पड़ा गांव में से रेस्क्यू करे थे उस सांप को हम यहाँ जंगल में रिलीज करने के लिए आ चुके हैं। ये हमारा तापी का फॉरेस्ट एरिया है दोस्तों, हम इधर ही जाके सभी सांपों को रिलीज कर देते हैं। आपको मैं और एक बात कहता हूँ कि हमारे पास दूसरा और कोबरा सांप है, उसको हमने दूसरी जगह से रेस्क्यू करे थे, लेकिन हमने इधर ही उसको भी रिलीज़ कर देंगे और आपको दोनों ही सांप इधर रिलीज करते दिखाएंगे और एक ही वीडियो में हम कन्वर्ट करके आपको पूरा दिखाएंगे दोस्तों, आप देख सकते हो। और दोनों ही बहुत जहरीले सांप हैं दोस्तों।
सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी।